दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। कलाम साहब के इस कोट से यही मतलब है कि अगर हमने अपनी जिंदगी में कुछ बनने या हासिल करने का असली सपना देखा है, तो हम अपने सपने को कुछ इस कदर से पूरा करने में जुट जाए जिससे हमारी आंखों से रातों की नींद उड़ जाए। क्योंकि नींद में आए सपने हम सवेरे तक भूल जाते हैं, लेकिन खुली आंखों से देखा गया सपना हम नहीं भूलते। इसलिए सपने खुली आंखों से देखनी चाहिए और उसे पूरा करने के लिए दिल से कड़ी मेहनत करना चाहिए। हम सब ये जानते हैं कि जब कलाम साहब छोटे थे तो बचपन से ही उनका सपना एक पायलट बनने का था, लेकिन घर में इतनी गरीबी थी जिसके चलते उनको साइकिल पर अखबार बेचना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा और अपने मजबूत हौसले और पक्के विश्वास से अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी लगन से स्टडी करते थे। आज मैं आप सभी को कलाम साहब के जीवन की एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ कर जाने का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बात उस समय की है जब डॉक्टर कलाम MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपने 6 साथियों के साथ मिलकर एक फाइटर एयरक्राफ्ट की डिजाइन बनाने का काम कर रहे थे। तभी अचानक प्रोफेसर श्रीनिवासन वहां पर रिव्यू करने के लिए पहुंच गए। प्रोजेक्ट के डिजाइन और प्रोग्रेस को देखकर वे बहुत निराश हुए। उन्होंने कलाम से कहा कि कलाम, मैं तुम्हारे काम से बिल्कुल निराश हूँ, मुझे तुमसे एक बेहतर डिजाइन की अपेक्षा थी। कलाम ने कई सारे कारण बताए लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। फिर कलाम ने प्रोफेसर साहब से विनती की और कहा कि सर, मुझे सिर्फ 1 महीने का समय दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इससे बेहतर डिजाइन बना लूंगा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कलाम की ओर देखा और कहा, देखो नौजवान, मैं तुम्हें 3 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर सोमवार की सुबह तक तुमने इसे बेहतर डिजाइन नहीं दिखाया तो शायद तुम्हें अपनी स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। प्रोफेसर की मुंह से यह बात सुनकर कलाम एकदम से स्तब्ध रह गए। उनके सपने, उनका भविष्य सब स्कॉलरशिप पर टिके थे। परिवार के सदस्यों का चेहरा एक एक करके उनके जहन में आने लगा। उन सब ने कितने विश्वास, उम्मीद और आशा के साथ उन्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। कलाम हिम्मत के साथ डटकर अपने कामों में जुट गए। उस रात वे बिना खाए पिए पूरी रात अपने साथियों के साथ काम में लगे रहे। अगली सुबह बस 1 घंटे आराम किया। कुछ देर बाद हल्का नाश्ता करके और फिर से उस काम में जुट गए। रविवार के सुबह जब वे उस काम को कंप्लीट करने जा रहे थे, तभी अचानक उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कलाम ने पीछे देखा तो प्रोफेसर श्रीनिवासन खड़े थे। प्रोफेसर श्रीनिवासन एयरक्राफ्ट की डिजाइन को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कलाम की पीठ थपथपाई और गले से लगा लिया और बोले कि मैं जानता था कि काम पूरा करने के लिए बहुत कम समय देकर मैंने तुम पर दबाव डाला, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतना बढ़िया काम कर दिखाओगे। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। दोस्तों, हर एक इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती है, कठिनाइयां और चुनौतियां आती है। अधिकतर लोग मुश्किलों को देखकर घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं। वहीं कुछ लोग APJ अब्दुल कलाम की तरह होते हैं। वे हिम्मत से हर मुश्किल और चुनौतियों का मुकाबला करते हैं और ईमानदारी से परिश्रम करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिम्मत और मेहनत दो ऐसे हथियार हैं जो एक इंसान को योद्धा बना देते हैं, जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा मेहनत करते रहिए और कभी हार मत मानिए।